हम लोग लगभग 1.5 साल से यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, चीजें जा रही हैं। बिल्कुल पूरा डेवलप प्रोजेक्ट है, 120 बीघा का टोटल प्रोजेक्ट है, जिससे 50 फीट तक के रोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि मेन अट्रैक्शन है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, पक्की सड़क है, बिजली की सुविधा है, लाइट है। मेन हाईवे आपसे एग्जैक्टली 800 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके नोएडा एक्सटेंशन आ जाता है, जो हाई राइजेस आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये नोएडा एक्सटेंशन है? जी हाँ, ये नोएडा एक्सटेंशन है। ये व्यवसाय भी है, यहाँ पर मार्केट भी है, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ आपको आसपास अवेलेबिलिटी, मतलब पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा शानदार, धमाकेदार, जिस तरह से हम आप लोगों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग लोकेशन पे प्लॉट्स, फ्लैट्स, घर वगैरह दिखाते रहते हैं, तो आज फिर से मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार और प्राइम लोकेशन पे लेके आया हूँ। सबसे अच्छी बात है कि ये होने वाला है ग्रेटर नोएडा के अंदर। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी आबादी, ऐसी बसावट, और देख सकते हैं हर चीज़ की सुविधा आप लोगों को पक्की सड़क के साथ यहाँ पर मिलने वाली। तो सर हमारे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार सर। कहाँ की लोकेशन है, कौन सा प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा ये? देखिए, अगर लोकेशन की बात करें तो आप इस वक्त ग्रेटर नोएडा के आम का विलेज में है। अच्छा, और ये लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली सटी हुई है NH-91 से। ओके, आप ग्रेटर नोएडा का अगर जानते हो तो ग्रेटर नोएडा के काफ़ी सारे पोर्शंस हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे भी आता है, जिसमें परी चौक वाला पोर्शन भी आता है, और एक पोर्शन ऐसा है जिस वक्त इस जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं वो NH-91 से कनेक्टेड है। ओके, और NH-91 लोग अगर जानते हैं तो ये खास तौर पे अलीगढ़ बुलंद हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गाज़ियाबाद को बुलंद शहर और अलीगढ़ से कनेक्ट करता है। ओके, दिल्ली से आने वाले लोगों को तो अगर मेन कनेक्टिविटी है वो लाल कुआं, जो कि एक रेनाउंड लोकेशन है, एक लैंडमार्क है NH-24 पर। उससे आप राइट लेंगे, अलीगढ़ बुलंद हाईवे पर आएंगे, लगभग 10 से 12 किलोमीटर आप चलेंगे तो आप इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दादरी वाला पोर्शन आ जाएगा। दादरी से राइट लेंगे, तिलपिता गोल चक्कर, जो 130 मीटर वाला रोड है, जो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन को कनेक्ट करता है। इनफैक्ट हम इस वक्त एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ ज्योग्राफिकली, तो हम नोएडा एक्सटेंशन के पैरेलल खड़े हुए हैं। हमारे एग्जैक्टली पैरेलल 130 मीटर वाला रोड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि गौर गोल चक्कर से चलता हुआ आता है तिलपिता गोल चक्कर तक, और फर्दर फिर इंडस्ट्रियल एरियाज और लेफ्ट साइड में दादरी की तरफ कनेक्ट कर जाता है। ये वो पोर्शन है। क्या बात है, मतलब बात करूँ तो प्रॉपर ग्रेटर नोएडा के अंदर इस तरीके से पूरी लोकेशन होने वाली है। जी बिल्कुल। और सर नियरेस्ट मेट्रो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बात करूँ तो? नियरेस्ट मेट्रो देखो आपको मिलेगा बुड़ाकी रेलवे स्टेशन, जो कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, वहीं पर ही मेट्रो का स्टेशन भी बन रहा है। अरे वाह, मतलब कनेक्टिविटी देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी शानदार मिलने वाली है। आप नोएडा से आना चाहो, गाज़ियाबाद से आना चाहो, हर तरीके से देखिए आप लोग आ सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम अंदर मुड़ेंगे और देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए राधा स्वामी सत्संग भी आप लोगों को साइड के जस्ट नज़दीक ही मिल जाएगा। ये देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े वेयर हाउसेज वगैरह देख रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर डाबर के, एलजी के, सात्विक के, काफ़ी सारे बड़े वेयर हाउसेज हैं। अच्छा, और ये वेयर हाउसेज जो है वो रोज़गार के अवसर भी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, बसते हैं जी। और उनको जब रहने के लिए जगहें चाहिए होती हैं तो वो रेंट पे आसपास घर ढूंढते हैं, मतलब रेंटल भी कोई रेंटल यहाँ पर अच्छी दे सकता है। जी क्या बात है सर, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट दे रखा है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा दे रखा है ये? प्रोजेक्ट का नाम पैराडाइज ड्रीम सिटी 2 है। हमारा पहला प्रोजेक्ट तिलपिता गोल चक्कर के पास था, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। ये भी हम लोग लगभग 1.5 साल से यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, चीजें जा रही हैं। बिल्कुल पूरा डेवलप प्रोजेक्ट है, 120 बीघा का टोटल प्रोजेक्ट है, और फर्दर वी आर एक्सपेंडिंग इट टू 350 बीघा, जो कि हमारे पास अभी लैंड बैंक अवेलेबल है। अच्छा, और अभी हम इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं। जी जी जी, बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं किसी भी प्लॉट वाले प्रोजेक्ट के अंदर, वो मेन चीज़ें जो देखी जाती हैं कि अगर वहाँ पर रोड्स हैं या नहीं, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, लोगों ने घर बना लिए हैं या घर बनाएंगे, उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जिससे वो घर बना सकते हैं, तो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, ये मेनली चेक करी जाती हैं। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, 25 से 50 फीट तक के रोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि मेन अट्रैक्शन है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए पक्की सड़क है, बिजली की सुविधा है, लाइट है, और लोग यहाँ पे बना करके प्रॉपर रह भी रहे, मतलब आबादी बसावट पूरी मिलेगी। बिल्कुल, आप आएँ, प्लॉट लें, और आप पहले दिन से अगर बनाकर रहना चाहें, जैसे ही आपका घर बने आप रह सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ वो सारी हैं जो एक रहने वाले इंसान को चाहिए। हॉस्पिटल्स की बात करूँ जी, तो यहाँ पर शारदा हॉस्पिटल है, मोहन स्वरूप है, राधे हॉस्पिटल है। अच्छा, नवीन हॉस्पिटल है, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पर। खुद दादरी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पर अवेलेबल, आस पास की डिस्टेंस पर सारा कुछ दे रखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बैंक्स सारे हैं, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, SBI,
आई, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक सुविधाएं हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके आसपास हो। और ये मैं आपको जो जितनी फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ ये 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको मिल जाती हैं। एक चीज़ है मार्केट, क्योंकि इंसान रहेगा तो ऑब्वियसली शॉपिंग भी करेगा, चीज़ें भी खरीदेगा, जो सामान है वो चाहिए चाहिए उसको। बिल्कुल, तो मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, दादरी की मेन मार्केट हो गई, नवीन मंडी हो गई, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, वैन ह्यूसन हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, रेड टेप हो गया, इस तरीके के जो शोरूम्स हैं वो भी सारे आसपास ही अवेलेबल हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, मिहिरबोज का खुद का अपना जो इंस्टीट्यूट्स है, जो दादरी का अपना मेन डिग्री कॉलेज है वो आपको मिल जाता है, आरवी नॉर्थलैंड मिल जाता है, इनफैक्ट यहाँ पर शिव नादर यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही करीब है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये मेन जो इंस्टीट्यूट्स आपको और कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा बच्चे जब पढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली स्कूल्स भी चाहिए उनको, तो माउंट लिटेरा स्कूल है, ब्लू डायमंड स्कूल है, चिल्ड्रंस एकेडमी है, किड्जी है, ये सारे स्कूल्स आपको मिल जाते हैं। क्या बात है। देखिए, इंसान आएगा तो आसपास काम भी देखेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज के साथ में बहुत सारी कंपनीज भी हैं, जैसे अपोलो पाइप्स की कंपनी है, टाटा मोटर्स है, एलजी का वेयर हाउस है, डाबर वेयर हाउस है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सारी चीज़ें आपको विद इन 2-3-4 किलोमीटर्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा, देखिए इस तरीके से शानदार सा प्रोजेक्ट आप लोगों को देखिए बेहतरीन मिल जाएगा। और जिधर देखेंगे दोस्तों उधर ही देखिए घर बने हैं, बाउंड्री वॉल मतलब बनी हुई है, लोगों ने ले रखा है, काफ़ी शानदार। मेन हाईवे आपसे एग्जैक्टली 800 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके नोएडा एक्सटेंशन आ जाता है, जो हाई राइजेस आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये नोएडा एक्सटेंशन है ये? जी हाँ, ये नोएडा एक्सटेंशन है, 130 मीटर वाला रोड जो गौर चौक से आता है सीधा, ये देखिए ये वही रूट है। क्या बात है। ये सेक्टर 10 लगता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, यहाँ से एग्जैक्टली ज़्यादा नहीं 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या बात है। प्लस सामने जो आप अगर देखें, जहाँ पर अभी रॉ लैंड पड़ी हुई है, ये नया फेज है, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जहाँ पर ऑलरेडी डिलीवर्ड है, लोगों ने घर बना रखे हैं। अच्छा, ये हमारा आगे वाला फेज टू है ये? जी हाँ, ये फेज टू है। इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी है रिसेंट फ्रेश अवेलेबिलिटी यहीं पर ही है। ओके सर, अगर कोई लेना चाहे तो क्या साइज वगैरह दे रखा है यहाँ पर? साइज जो है वो 64 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। अच्छा। और प्राइजेस की बात की जाए तो 17,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट है। आप 64 स्क्वायर यार्ड को 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो भी रेट आएगा वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा। मतलब रेट तो सर मतलब काफ़ी रीजनेबल और काफ़ी जायज रखा है। आप अगर दिल्ली NCR के हिसाब से देखें, ग्रेटर नोएडा के हिसाब से देखें, तो 17,000 रुपये इट्स जस्ट अ पीनट। बिल्कुल, वो भी इतनी डेवलप सोसाइटी में, जहाँ पर 2550 फीट के रोड्स हैं और इतनी शानदार कनेक्टिविटी के साथ। एग्जैक्टली। क्या बात है, मतलब बेहतरीन। देखिए आप लोगों को इस तरीके से प्रोजेक्ट शानदार से मिल जाएगा, तो दोस्तों फटाफट आएँ। इन्वेंट्री की बात करूं तो इसमें भी सर फेस टू में निकलना शुरू हो गई है। हाँ, फेस टू के अंदर काफी इन्वेंट्री हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब हम लोग फेस थ्री की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा। और हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे फेस वन के ही क्लाइंट्स थे उन्होंने ही हमें रेफरेंस देकर हमारा फेस टू भी एग्जॉस्ट कर दिया ऑलमोस्ट। ओके। तो अभी रिसेंट अवेलेबिलिटी अभी और आने वाली है, जिसके अंदर हम लोग अभी चीज़ें करेंगे, बाकी हमारे पास फेस टू में काफ़ी अवेलेबिलिटी अभी अवेलेबल। दोस्तों जैसा चाहिए, मतलब 100 गज 150 200 250 भी गज, देखिए आप यहाँ पे ले करके जड़ से मकान बना सकते हैं इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे। सर अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना चाहे तो उसको बेसिकली क्या रिटर्न या क्या अप्रिसिएशन वगैरह मिल सकता है यहाँ पर? देखिए, इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। बिल्कुल। डेवलपमेंट, अगर कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ये देखेगा कि यहाँ आसपास क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी एक एंड यूजर को ही बेचना है। ठीक बात। और फिर वही एंड यूजर भी यही देखेगा कि यहाँ आसपास क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर वो सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो एक इन्वेस्टर और एक एंड यूजर दोनों को ही चाहिए होती है। बिल्कुल। तो आप अगर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर व्यवसाय भी है, यहाँ पर मार्केट भी है, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ आपको आसपास अवेलेबिलिटी। मतलब पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा, जब आप एक बार चीज़ खरीदेंगे और रहने के लिए लायक जगह होगी और जो के है तो आपका पैसा बढ़ेगा। बिल्कुल। दोस्तों अभी आप ले लें और 1-2 साल में सर बात करूं तो नियर अबाउट डबल होने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यू नोएडा डेवलप होने वाला है, चीज़ें मल्टीप्लाई होने वाली हैं। जी। ऐड नहीं मल्टीप्लाई होंगी, जो चीज़ आज यहाँ पर 20,000 रुपये है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही न्यू नोएडा का प्लान एग्जीक्यूट होगा, इनफैक्ट वो अगर ना भी हो तब भी चीज़ें जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं तो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। सर लोन वगैरह की बात करूँ तो लोन का भी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास? हाँ बिल्कुल, NBFCs हैं, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पे आपको लोन मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा। 70% लोन आपको हो जाता है आपके प्लॉट के ऊपर, 30% आपको सेल्फ फंडिंग करना पड़ती है और 70% आपको लोन हो जाता है। और रजिस्ट्री म्यूटेशन सारी है जो सब ओके। देखिए ज़मीन जब खरीदने जाएंगे तो उसके अंदर मेन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है ही रजिस्ट्री और म्यूटेशन। जी। तो यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है, प्लॉट रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, सब कुछ अवेलेबल है। तो दोस्तों फटाफट आएँ ग्रेटर नोएडा में, देखिए
प्लॉट का बेस्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को मिल जाएगा इतनी शानदार कनेक्टिविटी के साथ, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो रेट डे बाई डे इंक्रीज ही हो रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, कैसे कॉन्टैक्ट करें? आप मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए जी, और आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे साइट विजिट करके जैसा आपको चाहिए वैसा आप प्लॉट लीजिए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम अवेलेबल है, आप कॉल करेंगे आपको असिस्टेंस दिया जाएगा पूरा जी। आप आएँ, आप जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे बात करें जी, और आप यहाँ पर विजिट करने हैं देन वील बेस्ट ऑप्शन देखिए प्लॉटिंग आपको मिल रहा है कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में।